अस्सलामुअलैकुम जनाब, मेरा नाम शर्जील है। ये कहानी है कुछ महीने पहले की, जिस शख्स की मैं वीडियो देखता था, जिस शख्स को देखकर मैंने बाइक खरीदी, जिस शख्स को देखकर मैंने सयाहत शुरू की, जिस शख्स को देखकर मैंने YouTube चैनल बनाया, आज वो शख्स मेरे पास आ रहे हैं। ये दुनिया भी कितनी छोटी सी है। आज से कुछ दिन पहले देवसाई में मेरी मुलाकात रोज़ी से हुई। उस वक्त मैंने सोचा कि मेरी मुलाकात यहया खान से हो जाए। आपकी नीयत साफ हो और यकीन मजबूत हो, आप जो चाहो वो आपको मिलता है। आज से कुछ दिन पहले यहया भाई YouTube पर लाइव आ रहे थे। उसमें उन्होंने कहा, मैं ईरान जा रहा हूँ, एक दो दिन में पेशावर से निकलूँगा और कराची में स्टे करूँगा। मैंने जल्दी से एक मैसेज किया, यहया भाई कराची में आप आ रहे हैं तो मेरे पास रुकना। तो फिर यहया भाई से मेरा कॉन्टेक्ट हुआ और उन्होंने कहा, ठीक है ब्रदर, मैं आपके पास आऊँगा। अब मैं इंतज़ार करने लगा। एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरे, तीन दिन गुजर गए, यहया भाई नहीं आए। मैंने सोचा पता नहीं आएंगे या नहीं। फिर मैंने यहया भाई से रब्ता किया तो उन्होंने कहा, ब्रदर हमारे रिश्तेदार में शादी अटेंड करने रुक गया हूँ, ये शादी मैं मिस नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पश्तून में ख़ानदानी निज़ाम बहुत मजबूत है। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करता, तो अब यहया खान को लेने निकलता हूँ मैं। फिर चौथे दिन यहया भाई कराची पहुँचने ही वाले थे। मैं इनको लेने के लिए घर से निकला, थोड़ी देर में ही अचानक से भाई मेरी बाइक बंद हो गई। इससे पहले आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। बहुत कोशिश की लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। फिर मैंने छोटे भाई को बुलाया, बाइक मैकेनिक तक पहुंचाई और एक जानने वाले से बाइक ली और यहया भाई को लेने पहुंचा। और ये लम्हा मेरे लिए ख्वाब से कम नहीं था। आ गया मेरा भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम यहया भाई। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम टू कराची। बहुत सारे लगे हुए बोर्ड। अच्छा, मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक था। अच्छा, क्योंकि मैंने घूमना फिरना आपको देख के शुरू किया। बहुत शुक्रिया, चलें आप आए, घर चलते हैं। असल में मैं वहाँ खड़ा हुआ था, वहाँ पर भी बोर्ड लगा हुआ है ना। जी जी, आप भी ठीक? यहया भाई ने कहा, कराची में मुझे एक काम है और एक जगह जाना है, लेकिन पहले थोड़ा आराम कर लूँ। फिर मैं यहया भाई को अपने घर लाया। आ जाए, वेलकम। इतने में यहया भाई फ्रेश हुआ, मैं खाना लेने गया जो मुझे बहुत पसंद है, और अपनी बाइक भी वापस ले आया। यहया खान को मैं खिलाऊंगा अपनी फेवरेट खतरी बिरयानी। कितने लगो रे? नहीं यार, दो स्पेशल बनाए आज, क्योंकि स्पेशल मेहमान आया पिशावर से। मैंने बोला भाई मैं खिलाऊंगा आपको बेस्ट बिरयानी, साला वैसे ही रखना। और यहया भाई बिरयानी खाने के बाद मजेदार खतरी बिरयानी यार, जहाँ का भी था बहुत मजा आया। मैंने हैदराबाद में खाया था और अभी मैं भूल चुका हूँ दुकान का नाम क्या था, और एक दोस्त ने खिलाया था, लेकिन इसका जायका उससे बहुत अच्छा था। पेशावर में अगर ये बिरयानी खुल जाए, यकीन करें करोड़ों रुपए बंदा कमा सके। खाना खाया, आराम किया और फिर हम चले जहाँ यहया भाई को जाना था। रास्ते में कराची की सैर भी करवाई। सबसे पहले नागन चुरंगी, फिर फाइव स्टार चुरंगी दिखाई, हैदरी मार्केट दिखाई, गुरु मंदिर से गुजरते हुए आगे चले। फिर कायदे आजम का मजार दिखाया।
सदर इम्प्रेस मार्केट दिखाई। सदर कैमरा मार्केट दिखाई। ये है मेन कैमरा मार्केट, पूरे पाकिस्तान में लोग काम करते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट से बड़ा काम। और फाइनली हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। यहया भाई को सदर मोबाइल मार्केट से काम था, तो मोबाइल मार्केट देखी है। अभी ये सोचा है, माशाल्लाह पसंद आई यहया भाई को। अभी ये सोचा है कि यहया भाई जब ईरान से आ जाएंगे ना, इंशाल्लाह फिर मोबाइल लेंगे। यहया भाई ने एक और जगह जाने की ख्वाहिश का इदार किया, तो मैंने कहा चलें। रास्ते में यहया भाई ने मुझे कैमरा हेलमेट में लगाने का तरीका भी सिखाया। ऐसे ठीक आता है, सही सही आता है, ऐसे कौन सी जगह पर ये सही आता है? इसमें देख लेते ना शीशे में। हाँ, इसमें आपने नहीं देखा, आपने रिकॉर्ड करके देखना। अच्छा, हाँ हाँ, ये दो तीन बार गलत आएगा, फिर एक बार आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये अभी इसको इस तरह देते हैं, फिर ये बिल्कुल ईजी हो जाएगा। सही, आपने लगा ना, बहुत बड़ी मुसीबत, वो तो मुश्किल है बहुत। यहया भाई को लाइट हाउस मार्केट दिखाई। ये लाइट हाउस है, मार्केट से होते हुए अपनी मंजिल की तरफ चले। हम पहुंचे अपनी दूसरी मंजिल पर। मैंने सोचा जब सीवीओ पहुंच गए तो एक और जगह चलते हैं। वो उसने बड़ी गाड़ी के लिए बंद किया हुआ होगा। अभी आप थोड़ा ऊपर चढ़े, पहुंच गए। चले भाई, यहया भाई को मैंने दो दरिया भी दिखा दिया, सीवीओ भी दिखा दिया, अब खाना खाएंगे किमाड़ी से। ग्यारह बड़ी मशहूर, ये उसका आखिरी स्टॉप है किमाड़ी, यही है, और ये राशिद सी फूड, तीनों चीज़ें यहाँ पर। यहाँ अच्छी कौन सी है? अच्छी मच्छी खाना है, मुश्का, ठीक है, बेहतरीन, एक कांटा और वाइट गोश्त। अच्छा, और ये रेड स्नाइपर हीरा, उसके बाद ही है। एक आप ये करें, ये लगा दें हीरा और एक मुश्का लगा दें, लेकिन आपने लगानी फ्रेश है। जो हमारा बंदा है ना पीछे, ये आया पिशावर से, मतलब ये दो बंदों में कम तो नहीं पड़ेगा। झींगा खाओगे? नहीं, सिर्फ बहुत है, ठीक है, तो थोड़ा बड़ा कर दो मुश्का, हाथ सफाई वफाई भी होगा। बहुत थक गए और अभी हम पहुँचे हैं राशिद सी फूड। आना तो हमें बेसिक यही था, ऑर्डर दे दिया हमने और बैठे हैं, थोड़ा थक भी गए और घूम भी लिया हमने। यहाँ यहया भाई ने अपनी स्टोरी सुनाई और कुछ काम की बातें बताई, जो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। अभी फिश आ गई है, फिश खा लें। ये आ गई है फिश जनाब।
मैंने थोड़ा मसाला कम रखा है, ऐसे मसाला मैं ज़्यादा रखवा लूँ। मछली माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ है इसमें वो ये है कि ये समंदर की है। पेशावर में ये चीज़ नहीं मिलती। पेशावर में है मछली है सही, और पकाने का टेक्निक भी थोड़ा सा अलग है सही, और शायद यहाँ से थोड़ा सा अच्छा भी हो, लेकिन वहाँ पर सब के सब फार्मिंग की है सही सही, इसलिए उसमें वो जायका नहीं है जो इसमें। ठीक है जनाब, खाना खा लिया माशाल्लाह से, फुल टाइट हो गया, एक्स्ट्रा खा लिया क्योंकि ज़्यादा मंगवा लिया था, और अब यहाँ से निकलेंगे। ठीक है भाई, निकलते हैं यहाँ से। ठीक है, और घर पहुँचने के बाद सबसे पहले वॉकिंग की। घर पहुँच गए, बहुत थक गए, अभी वॉकिंग भी कर आ रहे हैं याया भाई के साथ। मैं वैसे वॉकिंग करता नहीं हूँ, तो बातें करते करते याया भाई के साथ गया, मैं वॉकिंग करके आया और अभी घर पहुँच गए। 6 बजे निकले थे और नहीं, आपने वॉकिंग किया नहीं है। अच्छा अच्छा, हमको सिखा दिया है, आपसे वॉकिंग करवाया गया। ऐसा ही है, सही है ना? ऐसा ही। मैं तो मस्जिद भी करने वाला था, लेकिन इसने कहा चौक से आगे भी वापस घूमना है, तो मैं वापस हो गया। सही सही। असल में मेरा जो है ना, ये 9 महीने का जो बच्चा है ना, इसको कंट्रोल करना होता है। सही सही। वॉकिंग ना करो तो फिर जो है ना मस्जिद हालत खराब हो जाए। सही। तो इसको कंट्रोल करना करने के लिए मतलब वॉकिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब सुबह याह्या भाई ईरान के लिए निकलेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।